बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा की सबसे हॉट सीट करनाल से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। करनाल से इंद्रजीत सिंह जलमाना चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे 4 मई को करनाल लोकसभा सीट से पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन भरेंगे। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, मातृशक्ति और युवाओं सहित जनता से गठबंधन है। बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह जलमाना ने कहा कि उनकी जंग किसानों के अधिकारों की आवाज उठाने वालों पर लाठियां चलाने वालों से है। वह गरीब किसान की लाठियां खाने वाले बेटे हैं और उनके साथ गरीब किसान, युवा, व्यापारियों, मजदूर और कर्मचारियों का आशीर्वाद है। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि करनाल जैसी महत्वपूर्ण सीट पर चुनाव लड़ना बड़े हौसले की बात है जो बसपा ने दिखाया है। वे यहां से बसपा को बड़ी जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि आज जनता के बीच सुना जा रहा है कि भाजपा के नारे 400 पार के और उम्मीदवार उधार के हैं। भाजपा की सारी गारंटी जनता के सामने फेल है। उन्होंने कहा कि अगर मनोहर लाल ने अपने 9.5 साल के शासन काल में काम किए होते तो वह उन विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगते, ना कि झोली फैलाकर वोट मांगते। इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अगर वह सांसद बनते हैं तो वह हर समय जनता के बीच मौजूद रहकर उनकी छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक को हल करवाने का काम करेंगे। कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने बेरोजगारी की है और वह बेरोजगारी के कारण विदेशों की ओर जा रहे हैं। उन्हें वापस लाने के लिए यहाँ पर रोजगार खड़ा करना होगा ताकि वे यहाँ अपने परिवार के बीच रहकर अपने बुजुर्गों की देखभाल कर सकें और यहीं पर रोजगार पा सकें। बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जल्दी करनाल में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी जिसमें बसपा प्रमुख बहन मायावती उनके लिए वोट की अपील करेंगी। मुकाबले की बात तो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। इन 2 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने कार्यक्रम रखे हुए थे, एक रोड शो रखा हुआ था। उन्होंने जैसे मान लो 30 या 40 गाँव के दौरे रखे थे, उनमें से उनके आधे गांव जो थे, आधे दौरे के गांव थे, वो सारे कैंसिल करने पड़े क्योंकि लोगों ने सामने से डले भी फेंके और काले झंडे दिखा के विरोध करा। उस वजह से उनको अपने प्रोग्राम कैंसिल करके मुंह की खा के वापस आना पड़ा। और देखो, एक कहावत भी है, जैसी बोगे वैसी काटोगे। जैसा उन्होंने बोया हुआ था तो वो उनको काटने को तो वैसा ही मिलना था, और वो इसीलिए लोगों ने उनका विरोध किया। की बात है, जिस दिन से ये बारी प्रत्याशी आया है तो जो पूरी कांग्रेस है ये कई गुटों में बंटी हुई है, और वो खुद उनके एक गुट को टिकट मिली है वो भी बारी है, और जो दूसरे गुट हैं वो खुद उसको हराने पे लगे हुए हैं। मेरे पास भी मैसेज यही आते हैं कि आपको हराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको तो हम ही हरा देंगे। तो ऐसी ऐसे शब्द बोलते हैं कि हम दरियां झाड़ने के वास्ते हैं, जब इलेक्शन की बात आती है तो कांग्रेस बारी कैंडिडेट दे देती है, तो इसलिए हम जितने लोकल कैंडिडेट हैं, जितने लोकल वर्कर हैं, सब इस बात का बाइकाट करेंगे। और यहाँ तक भी लोगों ने मेरे को जो बात कही कि ये जो करनाल वाला डम्मी कैंडिडेट दिया है, ये हुड्डा साहब ने दिया है, हुड्डा साहब ये चाहते हैं कि यहाँ से खट्टर की हेल्प हो, यहाँ से खट्टर बन जाए और खट्टर वहाँ से रोज तक मेरे बेटे की हेल्प करे, वहाँ से दीपेंद्र बन जाए। ये इनकी आपसी मिलीभगत है, ये एक गेम खेल रहे हैं और वर्करों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं तो एक कमेरा वर्ग से आता हूँ जिसमें किसान भी आता है और मजदूर भी आता है और छोटा दुकानदार भी आता है, तो ये कमेरा वर्ग सारा ही मेरे साथ है और उन्हीं के भरोसे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो वो कमेरा वर्ग का सहयोग मेरे को एक तरफा मिला हुआ है, क्योंकि जिस टाइम किसानी आंदोलन चला था उस वक्त मैं JJP पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था और मेरी बेटी जिला परिषद की मेंबर थी, जिला परिषद थी और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट लेके जिला परिषद बनी थी। और जब किसानी आंदोलन आया और हमारे भाइयों को लाठियों का मुकाबला करना पड़ा, हमारे भाइयों पे अथरू गैस के गोले दागे गए, और जहाँ तक कि हमने अपने 750 अपने किसान परिवार के, मजदूर परिवार के साथी गवाए, उनकी शहादत हुई। और नानक सर सिंगड़ा जो हमारे पास ही गांव पड़ता है, वहाँ के बाबा राम सिंह जी थे, वो भी इस तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी किसानों के हक में अपनी शहादत दे दी। ये सब कुछ देख के मैंने JJP पार्टी से और
जिला परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अपने भाईचारे के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही सभी को इन बातों का पता पहले से ही है और कुछ लोगों को अब पता लग रहा है और एक एक जो मेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है और छोटा दुकानदार है, वो एक तरफा इसी वजह से मेरे साथ खड़ा है। देखो, मैं ये जो चुनाव में जुमले छोड़े जाते हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता। मैं मट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो कुछ करने में विश्वास रखता हूँ। इन जुमलों में, जो चुनावी जुमले होते हैं, इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, मैं अपने भाईचारे में एक मट्टी से जुड़ा हुआ बंदा हूँ और मैं उनकी एक एक दुख तकलीफ जानता हूँ। अगर मेरे भाइयों ने मुझे मौका दिया, मैं सांसद बना, तो मैं इनकी हर एक तकलीफ़ जानता हूँ और फिर भी मैं इनके बीच में बैठ के किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी क्या तकलीफ़ है, उन सब को समझ के, सोच के और उनके हिसाब से उनका निवारण करने का काम करूँगा। मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ कि अब से 10 साल पीछे बीजेपी की सरकार रही, वो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी, आपने उनका भी काम देख लिया। और उससे पहले हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी, और इन्होंने बहुत बहुत चुनाव के समय बड़े बड़े जुमले छोड़े थे कि यमुनानगर से कैथल तक रेलवे लाइन बिछा देंगे और यमुनानगर से वाया करनाल होके जींद को भी एक रेलवे लाइन से जोड़ देंगे और करनाल में एयरपोर्ट बना देंगे। ऐसे ऐसे बहुत जुमले छोड़े और उन्होंने, दोनों पार्टियों ने उनमें से सिर्फ बातें ही कही, काम धरातल पे एक भी बात पे, कोई एक भी काम पे कोई काम ही नहीं करा। और जो आपने लाठियां खाई, जो मेरी बहनों ने वहाँ, पहलवान बहनों ने जिनको बाड़ों से पकड़ पकड़ के घसीटा गया, और किसान भाइयों ने जो अथरू गैस के गोले खाए, वो बिल्कुल भी उन बातों को ना भूलें और आज 25 मई को अपने हर बात का बदला लेने का आपको मौका मिला है। आपने 25 मई को अपने बीच के साथी को, अपने भाई को जो आपके बीच का है, करनाल का लोकल है, उसको 25 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबा के सांसद बनाने का काम करें। और जिनको आप 20 साल पहले दोनों सरकारों को देख चुके हैं, इनके कैंडिडेटों की जमानत जब्त करा के इनको देश से बाहर निकालने का काम करें।